हरे कृष्णा दोस्तों, चलिए हम अभी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के उनके लिए आज मैंने बनाया रोटी, पनीर का भाजी और जल रखा है। ठीक है, तो हम लोग अभी भोग लगाएंगे। कैसे भोग लगाते हैं वो मैं आज आपको दिखाती हूँ। पहले तुलसी पत्ता को हम लोग ने धो लिया है, उसके बाद हर भोग में एक एक करके तुलसी पत्ता डालना है, क्योंकि हमारे गोपाल जी, हमारे कृष्ण जी जो है वो तुलसी के बिना कोई भी भोग नहीं लेते। इसके लिए हम कोई भी चीज़ के ऊपर भोग के ऊपर तुलसी पत्ता देना ज़रूरी है। फिर इस पानी से हम लोग अपने हाथ धोएंगे ऐसे, फिर पानी से 3 बार इसका शुद्धिकरण करेंगे। देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने शुद्धिकरण किया है। ये सब करके अभी ढक के हम लोग गोपाल जी के पास अपना भोग लेके जाएंगे। चलिए अभी देखिए, हम लोग भोग को ढक के लड्डू जी के पास लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहले भोग लगाने से पहले लड्डू जी को जिधर हम भोग लगाएंगे उसको पूरी तरह कपड़े से साफ कर लेंगे ऐसे। उसके पहले थोड़ा पानी का छिड़का उसमें डाल देंगे, फिर ऐसे साफ कर लेंगे। देखिए, अब हम दोनों आसन लिया है, एक लड्डू जी के लिए, एक राधा रानी के लिए, क्योंकि राधा रानी जब तक नहीं आते तब तक लड्डू गोपाल अपना भोग नहीं पाते। ठीक है, तो हम दो आसन लगा देते उन दोनों के लिए, एक लड्डू जी के लिए, एक राधा रानी के लिए। देखिए, हम अभी भोग लगा चुके हैं और हम अभी राधा रानी और कृष्ण जी को प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे भोग को ग्रहण करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग पर्दा लगा देंगे। देखिए, अब हम पर्दा लगा चुके हैं, अभी राधा रानी और कृष्ण जी को भोग लेने के लिए छोड़ दिए हैं। कृष्णा, अभी हमारे प्रसाद लेने का टाइम हो गए, तो हम अभी पर्दा खोल के प्रसाद ले लेंगे। अभी देखिए, उनको भोग तो लगा दिया, अभी उठाने जा रहे हैं। अभी हम लोग पर्दा खोल दिया है, प्रसाद उठाएंगे, 3 ताली मार के हम लोग को उठाना है। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी का भोग लगा के उठा भी दिए। अभी जिस जगह पे भोग लगाया है उस जगह को थोड़ा सा पानी दे के फिर एक कपड़े से उस जगह को पोंछ लेंगे, फिर आसन को रखते हैं। तो देखिए, हम अभी लड्डू गोपाल जी को मुंह धुला रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तब तक ले लिए वीडियो यही तक है। हरे कृष्णा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हरे कृष्णा।